हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। पहले जल्दी से आप काम कीजिए, मुझे आपके लिए मैं आपके लिए जो दो लेकर आया हूँ, बॉक्सर्स वांट द काउच, ये दो है क्या सर? आज मैं आपको दो से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये दो नहीं समझना बल्कि ये दो समझना, यानी दो मीन्स क्या है? दो यानी वी फॉर विक्ट्री। मैं आज आपको जिताना चाह रहा हूँ और आपको इंग्लिश सिखाकर आसो पासो पड़ोसी ये दो से मैं आपको हिंदी सिखाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो आज मैं आपको ये जो दो पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में, अक्सर क्या है गाइस, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है। ओके, और मुझे मेरे पास जैसी राइटिंग मैं आपके सामने लिख देता हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी मैंने वीडियो आपको रिटन पैटर्न में दिया है या मीन्स ऑलरेडी स्ट्रक्चर पैटर्न में दिया है, तो ये जो दो की बात मैं कर रहा हूँ, राइटिंग ठीक ना हो तो सॉरी है। ओके, लेकिन समझ जाना कि इस दो से मैं आपको बहुत सारे गाइस सिखाने वाला हूँ। मैंने एक महात्मा गांधी की बुक पढ़ी थी। ओके, उस बुक में लिखा गया था कि मतलब किसी की भी हैंडराइटिंग, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उसकी राइटिंग अगर खराब हो या मीन्स अच्छी ना हो तो आदमी ग्रेट बनता है। तो अगर सपोर्टेड, मुझे भी जोश आ गया और मैंने सोचा कि नहीं, जैसे भी हो मैं लिख के भी आपको इंग्लिश सिखाऊं और आपके माइंड्स में इंग्लिश भरूं। चाहे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आस पास पड़ोस मीन्स एनी टाइप फ्रेंड सर्किल या स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या जस्ट लाइक एनी वेयर इट्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो चाहे होटल्स हो, कहीं भी आप इंग्लिश बोलेंगे। तो मैं आपकी छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आज मैं इस दो हिंदी के मैं दो वर्ड से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा गाइस। और ये दो है क्या सर? व्हाट द काउच, ये दो है क्या? लेकिन आज मैं आपको सामने बोलता हूँ कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग बिफोर यू, क्या माई वर्ड्स, ये दो वर्ड्स क्या है, कि अक्सर ये दो है क्या सर? तो एक्चुअली ये जो दो है ना, आपको आसान तरीके से आप घर पे प्रयोग करते हैं। मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे बैठने दो, मुझे चार्जर दो, मुझे रिवॉर्ड दो, मुझे सोने दो, मुझे काम करने दो, उसे बकने दो, उसे बोलने दो। ओके, यही दो है, ठीक है ना? तो आज भी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दो। आज इसमें दो को पढ़ाने वाला हूँ। और आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे जल्दी से नीचे लाइक का बटन क्लिक कर देना। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले लेट और गिव, इस दो की हिंदी के लिए अब किस चीज का प्रयोग करेंगे? किसी दो का। और सबकी बात में आज सिर्फ आज मैं दो कर रहा हूं। ओके, दो या यू कैन से दैट दीजिए। ओके, लेकिन आज हम दो ही पर डिस्कशंस करते हैं जो ज्यादा आपके फायदेमंद हो। आपको दो ही करना है और ये दो का प्रयोग लेट का भी प्रयोग करना और गिव का भी प्रयोग करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देने हैं। ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट क्या है, मैं आपको अभी ऑब्जेक्ट का लिस्ट भी दूंगा। ओके गाइस, और अक्सर प्रयोग लेट और गिव का प्रयोग कहाँ करेंगे? ओके, कहाँ पर मैं लेट लगाऊंगा, कहाँ पे गिव लगाऊंगा? दो के लिए कहाँ पर? अभी जैसे बोलते हैं मुझे रिवॉर्ड दो, मुझे जाने दो, मुझे काम दो, ठीक है ना? आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो आप याद रखेंगे जब भी काम की बात हो तो आप लेट का प्रयोग करेंगे और जब सामान की बात हो तो आप गिव का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, फिर रही ऑब्जेक्ट की बात, और फिर यहाँ पर इसके बाद अगर काम रहेंगे तो आपके वर्ब भी वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है, और अगर सामान की बात हो तो यहाँ पर उस सामान का नाम लिखेंगे। ओके, सामान का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। बस इतना ही स्ट्रक्चर से आपके सेंटेंस बनाने हैं। तो एक्चुअली क्या ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो आई मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। आई का उल्टा आपको सबको पता ही होगा मी, यू का उल्टा होगा यू, वी का अस। ओके गाइस, दे का देम, और ही का हिम, और सी का हर। वीडियो तो आपको पूरी दिखी रही होगी गाइस। ओके, तो जैसा क्या है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमको सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है गाइस। तो जैसा कि मैं फिर से समझा दूं कि अगर मुझे काम की बात हो तो लेट का प्रयोग करेंगे, अगर सामान की बात हो तो हम गिव का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, और लास्ट में हमेशा क्या रहना चाहिए? दो। मैंने आपको क्या बताया कि दो से मैं बहुत सारे आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, तो आइए हम सीखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे पढ़ने दो, और सेकंड क्या है गाइस, मुझे पेन दो। क्योंकि अक्सर क्या होता रहेगा कि छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी इंग्लिश, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सोल आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपकी ये सब बेसिक इंग्लिश जो होते हैं ना, अक्सर लोग कॉन्फिडेंस बना के बोलते हैं और कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती है। तो आफ्टर दैट यू कैन बी, यू कैन, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रेंडली, यू कैन, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर डू यू हैव दैट कैन इजीली फॉर यू स्पीक इंग्लिश, यानी आप आसान से इंग्लिश बोल सकते हैं। ताइए इस दो की बात करते हैं। आज मैं दो की पूरी हिस्ट्री बदलने वाला हूँ और आपके दो से मैं थे बहुत सारे सेंटेंस सिखाने वाला हूँ सिर्फ छोटी छोटी वीडियो से। ताइए हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करिए, मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पढ़ना थोड़ी है, ये काम थोड़ी है, सामान थोड़ी है, ऑलरेडी क्या है, ये सामान नहीं है बल्कि ये क्या है, काम है। मुझे पढ़ने दो, तो क्या यहाँ पर किस चीज का हम प्रयोग करेंगे? लेट का। जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर काम रहेंगे तो लेट लगाएंगे और सामान की बात रहेंगे
तो हम क्या लगाएंगे, गिव लगाएंगे। ओके, तो पहले मैंने तो लेट दे दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो आई के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मी, और पढ़ना क्या क्या होता है, रीड। आप इस पर आप बहुत सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ओके, मुझे पेन दो। ओके गाइस, अब यहाँ पर पेन मांग रहा है, यहाँ पर क्या मांग रहा है, सामान मांग रहा है। तो अब जब भी सामान मांगेंगे तो आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, गिव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले गिव और फिर ऑब्जेक्ट क्या, मुझे का, मी, पेन, है ना गाइस। ये आपको आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सपोज दैट ये पढ़ना क्या है, वर्ब है, और पेन क्या है, ऑलरेडी मीन्स सामान है। तो जब भी अगर दो की बात आए तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, लेट मी रीड। अगर काम की बात, सॉरी सामान की बात आएंगे तो गिव मी पेन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ गाइस। ओके, एक और एग्जांपल से आप समझते हैं कि जैसे लिख रहा है कि हमें बोलने दो, हमें बोलने दो। ओके, और जैसे सपोज दैट अभी विराट बैटिंग कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विराट को 100 रुपया दो, 100 रुपया दो। ओके, विराट को 100 रुपया दो। अक्सर क्या है गाइस, यहाँ पर कौन चीज सामान है और कौन चीज मीन्स काम है। ओके, तो सामान और काम की बात हो तो यू कैन यूजुअली बी मीन्स लेट एंड गिव। ओके, तो आप आसान तरीके से आप क्या बोलते हैं कि मुझे बोलने दो, आप क्या बोलने को सामान बोलते हैं, मुझे जाने दो, तो क्या उसको लेके जाते हैं, नहीं ना। तो ऑनली फॉर जब भी ऑलरेडी वर्ब का मतलब काम की बात हो तो आप लेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, लेट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी हो, यानी हमें, यानी वी का उल्टा अस का प्रयोग करना, यानी वी का उल्टा अस का प्रयोग करेंगे। और सपोज दैट बोलना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्पीक, यानी लेट अस स्पीक, हमें बोलने दो। और सेकंड क्या है गाइस, कि विराट को 100 रुपया दो, यानी नेम के बदले नेम ही देंगे। तो यहाँ पर विराट को 100 रुपया दो, तो यहाँ पर सामान की बात हो रही है, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, गिव का प्रयोग करेंगे, यानी गिव विराट। ओके गाइस, समझ में आ रहा ना, गिव विराट 100 रुपीज। ओके, ये मैंने कुछ सिंबल डाला है क्योंकि देयर आर मेनी कंट्री यूज्ड, मतलब सब देश का अपना अपना सिंबल होता है, तो हमारे इंडिया का सिंबल्स ये है। ओके, तो आप 100 रुपीज ऐसे लिखेंगे, है ना गाइस। अब आइए, आपको तो ये आसान तरीके से समझ में आ ही गया होगा, ये दो से आप घर पे आज के बाद आप यूज करेंगे, कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी पानी मांगेंगे, मुझे पानी दो, मुझे रिपोर्ट दो, मुझे दवाई दो, यानी कोई भी ऐसे वर्ड्स है, ठीक है ना, मुझे कलम दो, मुझे बुक दो, तो आप गिव का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर काम की बात हो, ठीक है ना, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो, मुझे बैठने दो, मुझे काम करने दो, मुझे सोचने दो, ओके, मुझे ढेर सारा काम करना, मुझे काम करने दो। ओके गाइस, अब एक कंफ्यूजन वाले सेंटेंस में आपके सामने डाल रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूजन वाले काम से में क्या है कि जैसे मैं आपसे पूछे कि मुझे कार चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, अक्सर क्या है गाइस कि मुझे कार चलाने दो। अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ गाइस कि मुझे कार चलाने दो, ओके, तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो डियर गाइस, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप उसी यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो सेकंड वाला क्या काम है, क्या कि मुझे कार चलाने दो। अक्सर क्या है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी की लेट लगे कि गिव लगे, यहाँ पर आपको कार दिख रहा है, तो अक्सर कंफ्यूज होंगे ना कि लेट लगाऊं कि मींस मैं गिव लगाऊं। ओके, तो यहाँ पर कार की बात हो रही है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस टाइप को ट्रांसलेशन को मैं से क्या बोलते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो। अब ग्लास भी आ रहा है, सामान ही मांग रहे हो और देना भी मांग रहे हैं, तो ओके, तो आप कहाँ पर ऐसे किसका प्रयोग करेंगे। तो आइए बात पहले में इसको फोकस करते हैं। अगर इस तरह के ट्रांसलेशन रहेंगे, इस तरह के अगर माइंड्स में आपके सेंटेंस आएंगे, तो आपको कैसे बताना है, पता है कि हमें सेंटेंस को लास्ट तक जानी है और दो से पहले देखना कि वर्ब है क्या। ओके, अगर वर्ब रहेंगे गाइस तो सिर्फ और सिर्फ हम लेट से बनाएंगे। ओके, यानी क्या हो जाएगा, लेट मी ड्राइव द कार। ओके गाइस, तो है ना, तो आपसे ऐसे मैं 3-4 एग्जाम्पल दूं, आप सैकड़ों सोचिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ ऐसे सवाल आपके माइंड्स में आते हैं, अगर वो ट्रांसलेशन दो से आते हैं, अगर आप कुछ भी दो से बोलते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर दे दूंगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और आज से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लेट और गिव का प्रयोग करके आप अपने घर में इंग्लिश ही बोलेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर, नॉलेज बहुत सारा, ओके गाइस, जिससे आप बहुत सारे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना और कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने मोहल्ले में फ्रेंड्स को साथ,
क्योंकि आप लोग बहुत सारे के पास लोगों के पास स्मार्टफोन रहते हैं लेकिन एक काम नहीं करते हैं, अपने खुद सीख लेते हैं और विशाल सर की क्लास में पढ़ लेते हैं और लोगों को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी बनती है, मैं आपको एक प्रॉमिस दे रहा हूँ कि सिर्फ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मैं मिस्टर विशाल आपको नेक्स्ट ट्रिक एंड टिप्स और अच्छे अच्छे इंग्लिश और वीडियो के साथ और अच्छी इंग्लिश के साथ आपको सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तो मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।